वायुसेना के इतिहास में पहली बार शामिल हुई तीन फाइटर पायलट कमीशन अवार्ड समारोह में पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर डुंडीगल में वायुसेना अकेडमी में समारोह, लेफ्टिनेंट भावना कंत, मोना सिंह और अवनी चतुर्वेदी बनी पहली महिला फाइटर पायलट। अगले एक साल तक हॉक और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों की मिलेगी ट्रेनिंग, परीक्षण के बाद महिला फाइटर पायलटों का होगा पहला ग्रुप। अब तक वायुसेना में हेलीकॉप्टर और परिवहन विभाग विमान ही उड़ाती थी महिला पायलट, पिछले साल अक्टूबर में रक्षा मंत्रालय ने दी लड़ाकू विमान उड़ाने की इजाजत। फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी मध्यप्रदेश की सतना की, मोहिना सिंह राजस्थान के झुंझुनू की, जबकि भावना कांथा बिहार के बेगूसराय से है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर किया दुरियप्पा स्टेडियम का उद्घाटन, भारत सरकार ने रेनोवेशन के लिए दी थी आर्थिक मदद। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार, अगले साल विधानसभा चुनाव में लेगी हिस्सा। 9 और 10 जुलाई को केजरीवाल करेंगे गुजरात का दौरा, मोदी के गढ़ में चुनौती देने की है प्लानिंग। 21 संसदीय सचिवों को लेकर दिल्ली सरकार को कानून सचिव ने दिया था नोट, केंद्र और एलजी ऑफिस से पहले सहमति लेने की सलाह। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया दिल्ली में, सोनिया गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम, दिग्विजय सिंह भी मौजूद, कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत। दिल्ली के वसंतकुंज में पानी की किल्लत को लेकर सड़क पर उतरे लोग, जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में भी जल बोर्ड के दफ्तर पर हंगामा, 3 दिन से एक बूंद नहीं आया पानी। दिल्ली के अलीपुर में तेज रफ्तार टेम्पो ने मारी पुलिस वान को टक्कर, 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल। सुबह 5:30 बजे हुआ हादसा, टक्कर मारकर फरार हुआ टेम्पो चालक, आरोपी की नहीं हो सकी पहचान। दिल्ली के करोल बाग इलाके में लिबर्टी सिनेमा के पास ट्रेन पकड़ने जा रहे युवक को लूटपाट के बाद मारा चाकू, मौके पर हुई मौत। भोपाल में बाइक सवारों ने एक लड़की पर फेंका तेजाब, अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय एटीएम ठगी गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा। आरोपी के पास पुलिस को मिले 67 एटीएम कार्ड, 62,000 रुपए नकदी बरामद। झुंझुनू में सड़क पर मिला नवजात का शव, मौके पर पहुंची पुलिस। पिथौरागढ़ में तेंदुए ने 12 साल की लड़की समेत 3 लोगों को किया घायल, भारी मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। श्रीनगर में अस्थायी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, नौकरी पक्की करने की मांग। बिहार टॉपर घोटाले में फरार लालकेश्वर प्रसाद पर कसा शिकंजा, एसआईटी ने पत्नी उषा सिन्हा सहित लालकेश्वर प्रसाद का पासपोर्ट रद्द करने की लिखी चिट्ठी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में गोवंश से भरा ट्रक रोका गया, ड्राइवर मौके से फरार। स्थानीय लोगों ने विरोध में लगाया जाम, मौके पर पहुंची पुलिस। बुलढाणा में आपसी रंजिश में 3 साल के बच्चे की मौत, पानी की टंकी में धक्का देकर हत्या। बीकानेर में मोबाइल रिपेयर करने की मामूली बात पर सरे बाजार, चाकूबाजी, मोबाइल कारोबारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गुड़गांव में झपट मारो का आतंक, बुजुर्ग महिला से सरेआम छीनी सोने की चेन, वारदात सीसीटीवी में कैद। पटना में अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ऑनलाइन लड़कियों की तस्वीर दिखाकर तय होता है सौदा, पुलिस ने मारा छापा, एक आरोपी गिरफ्तार। जवाहरबाग कांड के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव का फाइनेंसर और दाहिना हाथ राकेश गुप्ता गिरफ्तार, 15 दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। झारखंड के चाईबासा में डायन बताकर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, आरोपियों ने महिला को जबरन पिलाया मलमूत्र। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 95 साल के वृद्ध को मर्डर केस मिली उम्र कैद, हत्या के 36 साल बाद आया फैसला। मुजफ्फरनगर में बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा के पेपर मिल से एक महिला की लाश बरामद, पुलिस को शक, रेप के बाद की गई हत्या। गुजरात के सूरत में 6 साल के बच्चे की कार में दम घुटने से हुई मौत, सेंट्रल लॉक बंद होने की वजह से नहीं निकल सका बच्चा, 4 दिन बाद मिला शव। रेलवे फाटक तोड़कर भाग रहे मवेशियों से लदा ट्रक हादसे का शिकार, एक इंसान समेत 15 मवेशियों की मौके पर मौत, पशु तस्करी का शक। बांग्लादेश लौट रही 2 कश्मीरी लड़कियों से दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछताछ, लड़कियों में से एक के बैग पर बम लिखा होने से हुई थी पूछताछ, बैग से मिला सिर्फ किताब।
चारों कश्मीर लड़कियां बांग्लादेश से कर रही हैं एमबीबीएस की पढ़ाई। श्रीनगर लौटते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई पूछताछ। गृह मंत्रालय के दखल के बाद सुलझा मामला। धनबाद में अपराधियों का बोलबाला। पौश इलाके बैंक मोड़ से निजी कंपनी के कर्मचारी से लूट, पुलिस का दावा अपराधियों की हुई पहचान। पुणे में लुटेरों का आतंक। दिन दहाड़े ज्वेलर्स से लूटे 7 तोला सोना और 30,000 नकद। दो सराफा व्यापारी अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में सड़क पर अकेली महिला को देखकर लूट, बाइक सवार दो युवकों ने उड़ाई सोने की चेन। मथुरा में 3 जून को अगवा तरुण सही सलामत लौटा घर, बुआ के बेटे ने किया था अपहरण। अगवा करने के बाद फोन पर मांगी 7 लाख की फिरौती, फोन कॉल से मिला तरुण का सुराग। डीएमआरसी में नौकरी का झांसा देकर प्लेसमेंट एजेंसी ने लगाया लाखों का चूना, 400 युवकों से ठगे 15,000 से ज्यादा की रकम, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पठानकोट में नशे के ओवरडोज से एक युवक की मौत, दो की हालत गंभीर, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ठाणे में महिला बोगी में चढ़े बदमाश का विरोध करने पर महिला और उसकी बेटी को चलती ट्रेन से फेंका, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजधानी दिल्ली में सरेआम व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बदमाश लाखों का कैश लेकर हुए फरार। बैंक मैनेजर के बेटे के अपहरण की गुत्थी नहीं सुलझा सकी कानपुर पुलिस, 10 दिन बाद बच्चे का मिला शव, 25 लाख की मांगी गई थी फिरौती। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में मोबाइल कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लड़कियों के फोटो को मिसमैच कराकर पॉर्न साइट्स में करता था अपलोड। संभल डीएम ने दफ्तर में अफसरों और कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर लगाई पाबंदी। दफ्तर में गुटखा पान और तंबाकू के सेवन पर भी लगाई रोक, आदेश की अनदेखी करने पर 500 रुपए का जुर्माना। गुजरात के जामनगर में फर्जी डिग्री बनाने वाले राकेट का भंडाफोड़, 3 बोर्ड और 14 यूनिवर्सिटी के नाम से बनाते थे जाली डिग्री। हरियाणा के पलवल में छेड़छाड़ से तंग युवती ने छोड़ी पढ़ाई, औरंगाबाद मंडल के बीजेपी अध्यक्ष के भतीजे की छेड़खानी से है तंग। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में गार्डों के 7 महीनों से मारपीट जारी, मिलने वालों को वार्ड में एक साथ जाने से रोकने पर होती है मारपीट, 2 महीने में हुई कई बार। हरियाणा के गुरुग्राम में सब्जी खरीदती महिला की बाइक सवारों ने छीनी चेन, सब्जी के पीछे दौड़ने पर जलाई गोली। अजमेर के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बेची गई 555 टन रद्दी खरीदने वाली कंपनी का आरोप, धर्म कांटे पर तौलने के बाद 225 टन निकली रद्दी। गुजरात के जामनगर में फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़, नकली डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री बनवाता था गिरोह। लुधियाना में फिल्मी दंगल की शूटिंग में नजर आए आमिर खान, उड़ता पंजाब पर आमिर का बयान, आर्टिस्ट की आवाज नहीं दबाई जानी चाहिए। पहली बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की 500 मीटर सड़क धंसी, यात्रियों की मुसीबत बढ़ी। कोटा में चोरी के शक में गार्ड ने अधेड़ को मारी गोली, शख्स की मौके पर मौत। यूपी के हापुड़ में NH-24 पर तेज रफ्तार बुलेरो ने खड़ी बाइक में मारी टक्कर, बाइक पर बैठी बच्ची की मौत। पंचकुला में जाट नेताओं और सरकार की बातचीत के दौरान हंगामा, कृषि मंत्री के सामने जमकर बवाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की जाटों से आंदोलन टालने की अपील, कहा कोर्ट से स्टे हटवाने की कोशिश कर रही है सरकार। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने स्थगित किया महापड़ाव, समाज कल्याण मंत्री के आश्वासन के बाद लिया फैसला। चेन्नई में AIADMK की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक, अहम फैसलों की उम्मीद। 25 जून को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम की होगी शुरुआत, पुणे से एक साथ 20 शहरों में हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान में धौलपुर कोर्ट परिसर में जेब कतरे को पकड़ने के लिए जबरदस्त भागदौड़, आरोपी ने काटी थी फौजी की जेब। श्रीनगर के सरकारी हॉस्टल की 15 लड़कियों ने लगाए पिटाई के आरोप, कहा वार्डन का कमरा साफ नहीं करने की मिली सजा। पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग की मौत पर बवाल, मुआवजे की मांग कर रहा है परिवार। महाराष्ट्र में लोनावला स्टेशन पर रेलवे के 2 जवानों की बहादुरी, ट्रेन से बाहर झूलते शख्स की बचाई जान। हरियाणा में जींद के खेत में महिला का जला शव मिलने से हड़कंप, जला हुआ मोबाइल भी बरामद। 36 साल में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का भारत का सपना हुआ चूर, फुल टाइम तक ऑस्ट्रेलिया से कड़ी टक्कर के बाद पेनल्टी शूटआउट में 1-3 से हुई हार। मैच में कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हुई, इस तरह मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए किया गया, पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिखा।
चौथे चांस में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी गोल करने में हुए कामयाब, जबकि भारतीय खिलाड़ी चूक गए और ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीता मैच। चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, जीत के लिए किया पूरा संघर्ष। जिम्बाब्वे के साथ पहले T20 मुकाबले के लिए आज मैदान में उतरेगी टीम इंडिया, वनडे सीरीज से पहले ही कर चुकी है क्लीन स्वीप। पाकिस्तान में अफगानिस्तान सेना पर 7 लोगों की मौत के बाद बढ़ा तनाव, बॉर्डर पर खड़े हजारों ट्रक। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम ने बढ़ाया भारत के साथ टकराव का खतरा, अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में जिक्र। सिडनी हार्बर ब्रिज के आग पर चढ़ने की वजह से एक शख्स गिरफ्तार, घंटों तक रुक गया था ट्रैफिक। अमेरिका में न्यू मेक्सिको की जंगलों में भीषण आग, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। लंदन में बीच सड़क इंग्लैंड के सांसद की गोली मारकर हत्या, ईयू की सदस्यता के लिए टल सकता है जनमत संग्रह। सलमान खान की शादी पर भड़के अरबाज खान, रिपोर्ट से उल्टे पूछा आप कब करेंगे शादी, सलमान की जिंदगी पर सवाल ना पूछने की दी नसीहत। विपाशा बसु ने सलमान से वेडिंग में 10 करोड़ का फ्लैट लेने की खबरों का किया खंडन, कहा नहीं सुना इससे ज्यादा बेकार बात। रितेश देशमुख ने कहा अडल्ट कॉमेडी फिल्मों में काम करने के लिए वो नहीं है शर्मिंदा, इस जॉनर में रितेश की ताजा फिल्म है ग्रेट ग्रैंड मस्ती। सनी देओल चाहते हैं घायल 3 बनाना, जनवरी में आई थी घायल वंस अगेन। रजनीकांत की आने वाली फिल्म कबाली का पहला ट्रेलर हुआ लॉन्च, यूट्यूब पर लॉन्च किया गया ट्रेलर।